क्या कर रहे हो? बेगम ने तभी लगा दिया कि अगर सुबह नाश्ता करना है तो मेरे साथ ये हेल्प करो हलवा शलवा बनाने में। मैंने कहीं फरमाइश कर दी थी मुझे चने बना दो, कि मुझे कह रही है कि अगर तुमने खाने हैं तो फिर ये तुम ही बनाओ। हसन क्या कर रहे हो? बेगम ने तभी लगा दिया कि अगर सुबह नाश्ता करना है तो मेरे साथ ये हेल्प करो हलवा शलवा बनाने में, क्योंकि कहते हैं उसको अब आगे चार छुट्टियां, जैसे कि आपको पहले ही बताया। किस बात की छुट्टियां? थैंक्सगिविंग की चार छुट्टियां अब से लेके और संडे तक। थैंक्सगिविंग और ब्लैक फ्राइडे की। तो क्या कहते हैं उसको, मैंने कहीं फरमाइश कर दी थी कि मुझे चने बना दो, तो चने और हलवा। क्या कहते हैं उसको, सलमान वगैरह को भी इसने कह दिया और जो है वो क्या कहते हैं उसको, उन्होंने भी हामी भर दी है और घर आके मुझे कह रही है कि अगर तुमने खाने हैं तो फिर ये तुम ही बनाओ। नहीं जी, रीज़न बताओ कि हम लोगों का सडन प्लान बना है, क्योंकि हम लोगों को कल छुट्टी थी तो आज हम लोग अम्मी की तरफ चले गए और वहाँ पे जाके जिन्होंने बताया कि जी तैयबा तो कल हमारे लिए हलवा और चने बना रही है, जिस पे जी सलमान ने कहा फिर तो हम भी खाएंगे, तो बाकी बच गई मदिया। मदिया को भी कॉल करनी पड़ी लाइक 12:00 AM राइट। तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फिर मैंने खुद बनाना हो घर में तो इतनी प्रॉब्लम ना हो, फिर जब सब ने आना हो तो फिर ज़रा होता है कि चलो जी सब कुछ रेडी हो। तो घर आए हैं तो मैंने कहा चलो ज़रा मेरे साथ हेल्प करवाओ। ये देखिए अब मेरे साथ ये हलवा जो है उसको ब्राउन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मैंने हफरा दफरी वाले जो है प्रेशर कुकर वाले पाए चढ़ा दिए हैं, यहाँ शीरा बन रहा है। चलें इंशाल्लाह सुबह बनाऊँगी क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, ये प्रेशर जो है ये बनता रहेगा तो जो चने हैं वो सुबह बन जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलें इसी बहाने जो है वो क्या कहती हैं इसको। इतना मैंने मना किया कि ये ज़बरदस्ती के पाए ना बना, पाए बनाने का कोई तुक नहीं है कि अगर तूने ज़बरदस्ती हमें जान छुड़ाने के लिए बनाना है तो सिर्फ चने बना, साथ उसके जो है वो सुबह नाश्ते में अंडे साथ बना लेंगे और हलवा होगा तो काफ़ी होगा, नान चने और हलवा। जी जी जी। तो लेकिन आपको इनविटेशन दे दिया तो ये चीज़ें दो चीज़ें तो आपको पता है कि मैं जब फिर दावत करती हूँ तो फिर दो चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती है, ये तो मेरे सब्सक्राइबर भी जानते हैं। तो ये कि अब आप मेरे चेहरे की हालत देख ही रहे होंगे, हवाइयाँ उड़ी और जबरदस्ती मुझे भी साथ खड़ा किया हुआ। तो चलें बस ठीक है, फिर अभी तक के लिए इजाजत लेते हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तैमीज वर्ल्ड में। और तैमी मेरे साथ ही है, मसरूफ है थोड़ा सा, क्योंकि आज फिर एक जो है वो क्या कहते हैं उसको, रात को इनसे फरमाइश हुई थी क्या कहते हैं उसको कि सुबह नाश्ता करवा दो, चार छुट्टियां आ रही हैं तो उसके लिए कोई अच्छा सा जो है वो क्या कहते हैं उसको नाश्ता करवा दो। तो फिर जो है बाकी तो फिर सुबह उठते ही जो है इनकी मसरूफियत स्टार्ट हो गई, कुछ काम रात को किया वो आपको आगे दिखाएंगे अभी। तो जो है वो बाकी अभी जिस जिस तरह तैयारी हो रही है उसमें अब बात जो है वो क्या कहते हैं उसको, खाने में जबरदस्त पाए बने हैं, हलवा पूड़ी है, इंस्टेंट हलवा है, पूड़ी नहीं है, चने हैं, पूड़ी नहीं है, हसन ने बनाया है हलवा, नान होगा इन सब के साथ। नहीं एक्चुअली आज यहाँ पे सारा कुछ बाहर बंद है क्योंकि थैंक्स गिविंग पे यहाँ पे सब कुछ इसलिए बंद होता है क्योंकि उससे नेक्स्ट डे जो है वो ब्लैक फ्राइडे होता है और ब्लैक फ्राइडे के लिए फिर वो लोग शॉप्स में अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि कल उन्होंने फिर वो धूम मचानी है सुबह सुबह फजर के बाद, उन्होंने जब खोलना है ना तो लोग यहाँ पे तो लोग बाहर टेंट लगा के लेटे होते हैं कि हमने जाके वो चीज़ देनी है, पहले मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चक्कर होता है और बड़ा बुरा हाल होता है। तो लेकिन वो धिक्के नहीं पड़ते, लेकिन ऑफकोर्स आपको वेट बहुत करना पड़ता है लाइन का और चेकआउट करने का। तो एनीवे उसकी वजह से फिर आज वैसे भी इनका जो गेट टुगेदर होती है आज वही खाना पीना अपने घरों में खाते हैं, अपने ट्रेडिशनल जो होते हैं इनके फैमिली के घरों में जाते हैं, इस तरह कुछ फैमिली के घर में आते हैं, इस वजह से उनका सारा आउट जो है ना आउटडोर जो कहते हैं ना वो रेस्टोरेंट और सब कुछ बंद होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आज इन्होंने मुझे भी डस्ट डाल दी है क्योंकि हसन को बहुत नाश्ता आया हुआ था, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। तो फिर सब ने कहा चलो हम लोग भी फिर आ जाते हैं, हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं, तो इसी बहाने फिर हम लोग भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे आज। तो देखें फिर अभी तो नाश्ता डन हो गया, आपको जब वो दिखाया था कि मैंने लेट नाइट आके पाए बनाए थे और हलवा हसन ने बनाया था, लाइक बनाया क्या सिखाया, लेकिन वो भी उल्टा कर दिया हसन ने, है ना हसन बोलो ना। जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली मैंने वैसे वैसे उस पर काम किया, अब उसमें कुछ सही हुआ या गलत हुआ वो सब इनका। अभी ये कह जा रहे हैं नहीं कलर का कोई मैटर नहीं करता, टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ना कलर भी एक्चुअली
थोड़ा सा गोल्डन में चाहिए होता है, लेकिन ये कह रही है कि टेस्ट बहुत अच्छा, तो चलें जी टेस्ट अच्छा होगा, तो इसलिए आप देखें हमें जितनी टेंशन हो रही है क्योंकि हम इन्वाइट तो कर लिया है, तो जहाँ से हम लोग फ्रेश नान लेते हैं वहाँ पे अभी तक नान की डिलीवरी नहीं आई है, तो फ्रोजन नान तो अवेलेबल है लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, और अगर हसन चले जाएंगे तो फिर शायद फ्रोजन पूड़ियाँ भी लें जो कि मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी अगर इनका दिल किया तो। तो चलिए जी आपको हसन दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या बना लिया है। और पंजाबी में एक मिसाल है, जड़ा बोले वही कुंडा खोले, तो इसका मकसद वही है कि जी तुमने कहा है तो सारे काम तुम करो, पूड़ियाँ भी ले आओ, लेकिन मैंने इसको वही कहा कि पूड़ियाँ नहीं मुझे खानी है, हम लोग नान के साथ खाएंगे क्योंकि पाए हैं चने हैं तो वो थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है वो पनीर चाय और क्या कहते हैं चने और पाए मिक्स करके खाने पसंद है, तो अब देखेंगे फिर अगर इन्होंने जोर दिया तो फिर पूड़ियाँ लानी पड़ेंगी। तो बारह एक पूड़ी का पैकेट एक निकल गया है फाइनली, फ्रोजन पूड़ी देखो, अब देखते हैं कि ये कितनी है, इसके 12 पीस तो था बस नान लिया ना, फिर जिसको थोड़ा सा कहते हैं ना जुबान का टेस्ट लेना होगा तो वो खा लेगा पूरी, क्या ख्याल है? ले जी मेरी आधी बचत हो गई, अब बाकी आधी जो है वो देखते हैं कि ये और क्या क्या फरमाइशें करती हैं। अब नान ही लाने हैं सर जी, यहाँ पे मेरे चने जो हैं वो बस ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, इस पे बस अभी तड़का लगेगा तो इसका कलर भी आ जाएगा और ये डन हो जाएंगे। इसके साथ ये चाय भी बन रही है क्योंकि गेस्ट जो है उनकी तब बनाएंगे जब वो आएंगे, और मे बी वो लस्सी पिए क्योंकि वो लस्सी लवर है, और यहाँ पे इंस्टेंट पाए है हमारे, ये झटपट झटपट पाए बनाए, तैबा के पाए हैं, मेरे क्यों पाए हैं, गाय या बकरे के पाए होंगे, इंस्टेंट वाले बनाए हैं जो कि सारी रात बने हैं। और इसके साथ जो है ये ठंडा ठंडा हलवा है, अभी गर्म होगा हलवा, तो जो देखने में जो है ये देसी घी लग रहा है ना, हाँ। क्योंकि ये रात को मैंने बनाया था, पाए तो सारी रात बनते रहे हैं, तो अब हसन को लग गई है बहुत भूख। अब मसला ये है कि हल्का फुल्का तो ठूंगे मारना जो है वो फर्ज है, तो हम थोड़ी देर ठूंगे मार लें, फिर मेहमान आएंगे तो कुछ उनके साथ भी खाना पड़ेगा। और मुझे चाय आपको पता है कि जब तक मुझे फर्स्ट मॉर्निंग टी ना मिल जाए ना तो मेरे हवास नहीं कायम होते, तो मैं टी पीती हूँ, ये हल्का फुल्का पास करने के लिए ठूंगे मारेंगे जी, ये कहते हैं मैं पास करता हूँ चीज़ों को, तो वो ठूंगे मारने वो पास करने में ठूंगे मार लेते हैं काफ़ी सारी। क्या कर रहे हो सर, ये तुम टेस्टिंग कर रहे हो, हमें खाता नहीं देख सकती, ये आप इनका हाल देखिए माशाल्लाह, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम कह रहे हो मैं टेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, ये माशाल्लाह टेस्टिंग में इनका ये हाल है, तो अभी जब सब आएंगे तो तब कितना खाओगे सर? बहुत जबरदस्त बने। अच्छा चलो शुक्र है अल्लाह का, इंस्टेंट वाले जो मेहनत है वो काम आ गई, वैसे मैंने देखा है इतनी ज्यादा मेहनत करने की नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं, नहीं वैसे से मैंने देखा है जब आप जल्दी में कोई काम करते हो ना वो ज्यादा अच्छा बनता है, और जब आप वो प्री प्लान करके करते हो तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, हमारे तो जल्दी के काम खराब हो जाते हैं, तुम्हारे सही हो जाते होंगे। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन चले जी ये देखें, ये तो माशाल्लाह से खा रहे हैं, और मेरी बुरी हालत हो रही है इनको देख के क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात को लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई, तो बस अब मैं चाय पीऊंगी और ये टेस्टिंग में खा के तो फिर जाएंगे नान लेने, है ना, अल्लाह करे। तैयबा ने बहुत कंजूसी किया, बादाम नहीं डाले, अल्लाह तुमने बनाया है, इतने से बादाम डलवाए मुझसे इसमें नहीं होगी, आप लोग डालना शुरू करो, मैं ना हूँ जी। तो नाश्ता वाश्ता सब लोगों ने, मतलब नाश्ता तो नहीं था, दोपहर का खाना ही था, 4 बजे खाना पड़ता है, और फिर उसके बाद सब लोगों ने मतलब काफी एंजॉय किया, उसके बाद फिर अब प्रोग्राम ये बन गया है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ एक लाइट शो लगा हुआ है तो उसके लिए निकल जाएं, कुछ मतलब बच्चों को आउटिंग भी हो जाएगी और हम लोग वो देख भी लेंगे, तो उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको अब निकल रहे हैं, वो देखो आशिर को, वो देखो आशिर गाड़ी में कैसे खड़ा है, वो देखो सामने, वो देखो नजर नहीं आया आपको आशिर,
में ये क्या बने हुए हैं? नहीं ये क्या बने हुए हैं, ये आपको नहीं पता? ये देखो रे फेस, कितने प्यारे फेस है देखो। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट फेसेस के डिफरेंट शेप्स हैं। नजर आ रहा है बेटा? पर्पल है वो, देखो वहाँ पे अंदर उसके कार गई भी है ना, है ना? हमने भी वहाँ तक जाना पूरा। वाह कितना पाला लग रहा है ना। किसके लिए हम यहाँ पे आए हो रम? आपके लिए? वो देखो आनी गाड़ी में सारे जो है बंदर बने हुए हैं, देखा? सारे बाहर निकले हुए हैं। हाँ जी क्या बना हुआ है? फार्म हाउस। ये देखो इन्होंने फार्म हाउस बनाया है सारा। देखा पूरा मास्टर है। हाँ जी हाँ जी। वो देखो पूरा आंखाली को भी हाँ ही गाड़ी छोड़ के हम बाहर निकल रहे हैं। अल्लाह तो देखो मेरा कोई बात नहीं। जिंगो बेल, जिंगो बेल कैसे कहते हैं? जी तो आपको मैंने आज ब्रेकफास्ट भी दिखा दिया, और ब्रेकफास्ट जिस तरह मैंने बनाया है वो तो ना ही पूछें क्योंकि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा सबने किया, सबने बड़ा एंजॉय कर लिया कि ब्रेकफास्ट बन गया। और बनना मतलब बनाना एक इतना मतलब मुश्किल नहीं होता एक्चुअली। आप नियत होनी चाहिए। हाँ जी एक्चुअली आप जब सब इकट्ठे बैठ के खा लेना और फिर आपके अपने अगर हों तो फिर ज़्यादा इन्जॉय होता है, क्योंकि हमारे में तो फॉर्मेलिटी तो थी नहीं, फैमिली थी तो इतनी कोई मतलब फॉर्मल वाली बात तो थी नहीं। लेकिन ये कि प्लान हफरा तफरी का बना, लेकिन मज़ा हमने बहुत कर लिया, बच्चों ने भी इन्जॉय कर लिया। बच्चों ने पहले ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन बाद बच्चे चले गए पार्क वगैरह में, वहाँ पे इन्जॉय करके आए। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बैठे बैठे हम लोग सब बोर हो रहे थे तो हमने कहा अभी तो पूरा दिन बाकी है और सबने आराम शाम करके शाम में उठ भी गए हैं तो क्यों ना कहीं जाया जाए। और यहाँ पे थैंक्स गिविंग जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ बंद होता है, कुछ भी ओपन नहीं होता, कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं होते हैं। तो गए तो हम लोग किसी कैफ़े की वजह से बाहर थे कि चलो जी कुछ बाहर से बच्चों को या सब बड़े जो है वो मीठा शीठा खा लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे। लेकिन फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब कुछ बंद था। तो आपने देखा ही होगा जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे बंदरों की तरह सारे लटके हुए थे, इसी तरह ही हम सब एक दूसरे की गाड़ियों में स्प्लिट हुए हुए थे, है ना? इस तरह हम लोग इन्जॉय कर रहे थे तो बड़ा इन्जॉय किया। तो कल हम लोगों ने आपको
सारा जो है वो क्रिसमस की जो है वो लाइटनिंग वो सारी दिखाई, वो प्रॉपर वहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, लाइक उसका नाम ही लाइट पार्क रखा हुआ है उन्होंने, तो वो वहाँ पे आप ड्राइव के मतलब थ्रू आप सारा कुछ देखो। तो मैंने जितना हो सका आपको आप लोगों के लिए कैप्चर किया और आप लोगों को अपने साथ साथ रखा। कर जाने से पहले फलियाँ चिकन बना लिया, तो कि सबकी फरमाइश है फली चिकन बनाओ, तो मैंने वो बनाई और फिर मतलब बनाए गई थी, फिर आके सबको इतनी भूख लगी थी, वो सबने खाया माशाल्लाह, इतना मज़ा आया। उसके बाद अब सब चले गए हैं, अब क्या टाइम हो रहा है भला इस टाइम? इस वक्त तकरीबन 2:30 हो रही है ना, 2:30 रात के हो रहे हैं, और मैंने सारी क्लीनिंग भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आराम से उठूंगी और फिर कल हमने कहाँ जाना है? कल कहीं नहीं जाना हमने, कल कहाँ जाना है? कल फ्राइडे है। अच्छा ठीक है, हाँ ब्लैक फ्राइडे पे इन्होंने बहुत शॉपिंग करनी है। कल हमने ब्लैक फ्राइडे पे जाना है, कल आराम से उठेंगे 12-1 बजे तक, फिर नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। बच्चे तो मेरे अपने मामू के घर चले गए हैं दोनों बच्चियाँ, और हाँ हुरम को मैंने नहीं जाने दिया, हुरम के बगैर ना हम दोनों का दिल नहीं लगता है ना सर, हम बहुत उदास हो जाते हैं फिर तो। लेकिन वो बहुत रोई है, रो रो के फाइनली वो सो गई है। तो होप करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, हम आपके साथ अपनी रूटीन और सब कुछ शेयर करते हैं, और आप लोग हमें इसका बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं, इसी तरह हमें आगे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते रहें। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।